Hello students, here is our new chapter about a scientist, Edward Jenner. So in today's video we will discuss this lesson's two paragraphs and remaining two paragraphs in second video. So about Edward Jenner. Edward Jenner was born in Berkeley, Gloucestershire. He was a country youth. Edward Jenner जो थे वो Berkeley जो कि एक जगह का नाम है Gloucestershire में. He was a country youth, एक सभ्य नागरिक थे. द सन ऑफ ए क्लर्जी मैन. क्लर्जी मैन होते हैं जो प्रिस्ट होते हैं, पंडित वगैरह, तो एक क्लर्जी मैन के सन थे. ही अटेंडेड ग्रामर स्कूल एंड एट द एज ऑफ 13 वाज अप्रेंटिसाइड टू ए नियर बाय सर्जन. उन्होंने ग्रामर स्कूल अटेंड की और जब वो 13 ईयर्स के थे तो वो अप्रेंटिसाइज मींस होता है एम्प्लॉयड टू लर्न द स्पेशल स्किल नीडेड फॉर द जॉब. एक तरह से ट्रेनर ट्रेनी जो ट्रेनिंग लेता है. तो उन्होंने 13 ईयर के जब थे उन्होंने एक सर्जन के पास ट्रेनिंग ली. इन द फॉलोइंग 8 ईयर्स, आगे के जो 8 ईयर्स थे उनमें एडवर्ड एक्वायर्ड ए साउंड नॉलेज ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस. अगले 8 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा नॉलेज लिया मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस का. ऑन कंप्लीटिंग हिज अप्रेंटिसिस एट द एज ऑफ 21, और जब 21 ईयर के हुए और जब उनकी अप्रेंटिसशिप ख़त्म हुई, ही वेंट टू लंडन. तब वो लंदन चले गए एंड बिकम द हाउस पीपल ऑफ जॉन हंटर. तब वो जॉन हंटर जो कि एक प्रोमिनेंट सर्जन थे लंदन के, फेमस सर्जन थे, उनके यहाँ उन्होंने कुछ दिन काम किया. इवन मोर इम्पोर्टेंटली हाउएवर, हंटर वाज एन एंटोमिस्ट. जो हंटर थे वो एक एंटोमिस्ट थे. एंटोमिस्ट होता है स्टूडेंट ऑफ और एन एक्सपर्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल बॉडीली स्ट्रक्चर. जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो काम करते थे वो. कौन? जॉन हंटर. तो उनके पास काम करने लगी. हंटर वाज एन एंटोमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट ऑफ द फर्स्ट रैंक. काफ़ी अच्छे एंटोमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे. In addition to his training and experience in biology, Edward made progress in clinical surgery. तो biology में और जो उनकी पहले training हो चुकी थी, surgical practice की थी उन्होंने, उसके साथ साथ वो clinical surgery उसमें भी अच्छी उन्होंने progress की. After studying in London from 1770 to 1773 तक लंदन में स्टडी करने के बाद ही रिटर्न टू कंट्री, अपनी कंट्री वापस आ गए. प्रैक्टिस इन ब्रेकली एंड एंजॉयड सब्सटेंशियल सक्सेस, और काफ़ी सक्सेस प्राप्त की वहाँ पर आकर के वापस. ही वॉज कैपेबल, स्किलफुल एंड पॉपुलर. काफ़ी योग्य थे, स्किलफुल थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे वो. नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्मॉल पॉक्स वॉज वाइड स्प्रेड इन द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में जो स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है, बीमारी जिसे चेचक कह सकते हैं, पुराने समय होती थी पुराने समय में, तो काफ़ी फैल गई थी वो. एंड ओकेजनल आउटब्रेक ऑफ पर्टिकुलर इंटेंसिटी रिजल्टेड इन ए वेरी हाई डेथ रेट. और काफ़ी बढ़ गई थी इसकी जो डेथ रेट थी वो, काफ़ी तेज थी और काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा था.
The disease respected no social class and disfigurement was not uncommon in patients who recovered. जो ये बीमारी थी वो अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, इसमें सबको हो रही थी. द ओनली मीन ऑफ कम्बेटिंग स्मॉल पॉक्स वॉज ए प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन कॉल्ड वेरियोलेशन. इस डिजीज से बचने का सिर्फ एक ही या फाइट डिजीज से फाइट करने का एक ही वैक्सीन था जिसका नाम वेरियोलेशन था. Intentionally infecting a healthy person with the matter taken from a patient suffering from a mild attack of the disease. The practice which originated in China and India, और इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिस कुछ प्रयोग वगैरह किए गए चाइना और इंडिया ने मिलकर के किए, और ये was based on two distinct concepts, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इनके ऊपर रिसर्च किए गए. फर्स्टली दैट वन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स इफेक्टली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी सब्सिक्वेंट अटैक, एंड सेकेंडली दैट ए पर्सन डेलिबरेटली इन्फेक्टेड विद ए माइल्ड केस ऑफ द डिजीज वुड सेफली एक्वायर सच प्रोटेक्शन. अनफॉर्चुनेटली द ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड होता है मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाना उस बीमारी का. The transmitted disease did not always remain mild. Mild means होता है serious. जो ये transmitted disease था ये एक दूसरे से फैलता था तो ये हमेशा serious नहीं होता था, and mortally sometimes occurred. Mortally means होता है death, और बहुत कम death होती थी इससे. Furthermore, the inoculated person, inoculated means होता है इंट्रोड्यूस्ड ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द बॉडी टू मेक इम्यून टू ए डिजीज. शरीर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना जिससे कि जो इम्यूनिटी है वो बीमारी से बचने के लिए वो बढ़ जाए. द इनोकुलेटेड पर्सन कुड डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मीन्स होता है टू स्प्रेड, फैलाना द डिजीज टू अदर एंड दस एक्ट एज ए फोकस ऑफ इन्फेक्शन, एक तरह से इन्फेक्शन जैसा. तो ये लेसन के टू पैराग्राफ्स थे डियर स्टूडेंट्स. आगे के पार्ट में हम अगला पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.